अनबॉक्सिंग करते हैं रियल फिट ब्लूटूथ एयरबड। ये बहुत ही सस्ते एयरबड है, इसकी प्राइस बहुत ही कम है। मैंने इसे परचेस किया है सऊदी अरेबिया में। सऊदी में इसकी प्राइस है 15 रियल। और इसमें अलग अलग कलर भी मिल जाते हैं, वाइट ब्लू, वाइट पिंक, वाइट ग्रीन, ब्लैक ऑरेंज। प्राइस है 15 रियल, तो इंडिया का हो गया 330 रुपये। तो आप भी इंडिया में कोई भी एयरबड परचेस करते हैं, चाहे ऑनलाइन करते हैं ऑफलाइन करते हैं, बॉक्स का ऊपर प्लास्टिक का पैकिंग होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि बॉक्स को किसी ने ओपन किया हुआ है। तो जल्दी से हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बॉक्स का ऊपर जो प्लास्टिक है उसे निकाल देते हैं। बॉक्स को देख लेते हैं, रियल फिट F2 2 वायरलेस एयरफोन। साइज से देखिए बॉक्स को, एयरबड का डिजाइन कंफर्टेबल है, आपका कान में अच्छे से बैठ जाएगा। एयरबड HD वॉइस इसमें मिलता है, टच कंट्रोल मिल जाता है, लॉन्ग स्टैंड बाय टाइम बैटरी इसमें मिल जाता है। एयरबड में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है। मोबाइल से 10 मीटर की दूरी तक एयरबड काम करेंगे। एयरबड का बैटरी 30 mAh का है। एयरबड को आप 4 घंटा यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद एयरबड का बैटरी खत्म हो जाता है, तो आप उसे दोबारा चार्जिंग केस में डाल के दोबारा उसे यूज़ कर सकते हैं। एयरबड को चार्जिंग होने के लिए 1 घंटा लगेगा। इनपुट पावर है 5 वोल्ट। चार्जिंग केस का बैटरी 250 mAh का है। चार्जिंग केस को चार्जिंग होने के लिए 1.5 घंटा लगेगा और इनपुट पावर है 5 वोल्ट। सबसे पहले ये बॉक्स को ओपन करते हैं। इसमें ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का एयरबड है। बॉक्स में एक ट्रे मिल जाती है, ट्रे को बाहर निकाल देते हैं। ये बॉक्स में कुछ भी नहीं है, बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये यूज़र मैनुअल है, इंग्लिश में है और चाइनीज लैंग्वेज में है। एयर टिप मिल जाती है और ये टाइप सी चार्जिंग केबल। चार्जिंग केस को बाहर निकाल देते हैं तो ये ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का चार्जिंग केस है। ये बॉक्स को ओपन करते हैं। इसमें पिंक एंड रेड कलर का चार्जिंग केस और एयरबड है। चार्जिंग केस को बाहर निकाल देते हैं तो ये पिंक एंड रेड कलर का चार्जिंग केस है, देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ भी एयर टिप मिल जाती है और वाइट कलर का चार्जिंग केबल है, टाइप सी चार्जिंग केबल। इसे साइड में रख देते हैं। चार्जिंग केस मैट फिनिशिंग में है, इसके ऊपर जल्दी स्क्रेचिस आएगा नहीं। अगर ग्लॉसी फिनिशिंग में होता तो इसके ऊपर जल्दी स्क्रेचिस आने का चांस रहता है। यहाँ पे रियल फिट लिखा हुआ है और यहाँ पे चार्जिंग केस इंडिकेटर लाइट है। नीचे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। बैक साइड से देखिए चार्जिंग केस को। चार्जिंग केस को ओपन करते हैं तो देखने के लिए चार्जिंग केस बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर डार्क पिंक कलर है और बाहर का साइड पे लाइट पिंक कलर है। तो ये राइट साइड का एयरबड है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। और ये लेफ्ट साइड का एयरबड। चार्जिंग केस का अंदर देखिए, अंदर चार्जिंग पॉइंट नज़र आते हैं। यहाँ पे R और L मेंशन किया गया है और अंदर कुछ भी डिटेल्स लिखा हुआ नहीं है। अभी देखते हैं ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का चार्जिंग केस। ये भी मैट फिनिशिंग में है, इसका ऊपर भी जल्दी स्क्रेचेस आएगा नहीं। यहाँ पे रियल फिट लिखा हुआ है। चार्जिंग केस इंडिकेटर लाइट यहाँ पे है। नीचे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट से भी ओपन करते हैं और अंदर का जो पार्ट है वो ग्लॉसी फिनिशिंग में है दोनों चार्जिंग केस में। ये राइट साइड का एयरबड है, इसे बाहर निकाल देते हैं। और ये लेफ्ट साइड का एयरबड। तो यहाँ भी कोई कुछ भी डिटेल्स मेंशन किया गया नहीं है। एयरबड को देख लेते हैं, ये राइट साइड का एयरबड है। स्पीकर का डायर 13 mm का है। एयर टिप डार्क पिंक कलर में, एयर टिप बहुत ही अच्छा लग रहा है। एयर टिप को बाहर निकाल लेते हैं तो ये एयर टिप बाहर आ गया। काफ़ी छोटा सा एयर टिप है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा एयर टिप भी मिलता है, आप अगर वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। स्पीकर ग्रिल देखिए, माइक यहाँ पे मिल जाता है। नीचे चार्जिंग पॉइंट देखिए और टच कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। और ये लेफ्ट साइड का एयरबड है, इसमें भी टच कंट्रोल यहाँ पे है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, ये माइक है इस साइड पे। और ये एयरबड है ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का। टच कंट्रोल यहाँ पे है, ये राइट साइड का एयरबड है। इसमें भी 13 mm का स्पीकर मिलता है। ऑरेंज कलर का एयर टिप है, एयर टिप को आप चेंज भी कर सकते हैं। स्पीकर ग्रिल देखिए, माइक यहाँ पे है। और ये दूसरा एयरबड लेफ्ट साइड का। टच कंट्रोल की बात करते हैं, सॉन्ग सुनने के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो राइट साइड का एयरबड को डबल क्लिक करना पड़ेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम को अगर कम करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड का एयरबड को डबल क्लिक करना पड़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सॉन्ग सुनने के टाइम पे कोई कॉल आ जाती है तो दोनों में से कोई भी एयरबड को एक बार टैप करोगे तो कॉल पिकअप हो जाएगी। कॉल को एंड करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड का एयरबड को एक बार टैप करना पड़ेगा तो कॉल एंड हो जाएगी। कॉल को अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड का एयरबड को 1 सेकंड तक टच करोगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। सॉन्ग को नेक्स्ट करना चाहते हैं तो राइट साइड का एयरबड को 3 बार टैप करना पड़ेगा तो सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा। सॉन्ग को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड का एयरबड को 3 बार टैप करना पड़ेगा तो सॉन्ग प्रोड्यूस हो जाएगा। सॉन्ग को प्ले पुश करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी एयरबड को एक बार टैप करोगे तो सॉन्ग पुश हो जाएगा। दोबारा टैप करोगे तो सॉन्ग दोबारा प्ले हो जाएगा। और वॉइस असिस्टेंट ऑन करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी एयरबड को 3 सेकंड तक टच रखोगे तो गूगल वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा।
एयरबड को आप मोबाइल लैपटॉप टैबलेट से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आपका घर में एलईडी टीवी लगी है उसमें भी अगर ब्लूटूथ सिस्टम है तो उससे भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एयरबड को घर में, ऑफिस में, किचन में, किधर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वो टाइम पर भी एयरबड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें साउंड का क्वालिटी तो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है, बास का भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाता है, लेकिन इसमें जो माइक लगा हुआ है वो चीप क्वालिटी का है, उतना अच्छा माइक नहीं है, तो कॉलिंग का टाइम पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप अगर बंद रूम में बैठ के कॉलिंग कर रहे हैं तो आपका सामने वाले को अच्छा सुनाई देगा, लेकिन आप कोई नॉइसी जगह में है जैसे कि ट्रैफिक जाम में फंसे है या फिर रोड पर है या फिर ऐसी कोई जगह पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है, तो वो जगह पर ये जो एयरबड है स्ट्रगल करते हैं, आपका आवाज़ सामने वाले को बहुत ही अच्छा सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो माइक लगा हुआ है वो चीप क्वालिटी का है, उतना अच्छा क्वालिटी का माइक इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो एयरबड है सस्ते एयरबड है और सस्ते एयरबड में आपको उतना अच्छा माइक तो नहीं मिलता है। आपको अगर अच्छा माइक चाहिए तो आप सोनी के, JBL के या फिर हवावे के, सैमसंग के एयरबड परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 5-6 हज़ार के आसपास होती है। वीडियो में आपने देखा रियल फिट F2 ब्लूटूथ एयरबड का रिव्यू, तो आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको GCC कंट्रीज में ये एयरबड मिल जाएगा, इसकी प्राइस बहुत ही कम है, आपको 15 रियल में एयरबड मिल जाएगा, दुबई में नहीं तो सऊदी में, इंडिया का हो गया 330 रुपये। ये एयरबड को आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको म्यूजिक सुना के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉपीराइट क्लेम का बहुत ही इश्यू है, तो मैं आपको म्यूजिक सुना के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका वैसे भी साउंड का क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये सस्ते एयरबड है, इसमें आपको माइक का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो कॉलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन एयरबड बहुत ही अच्छा है, आप किसी को गिफ्ट करने के लिए इसे परचेस कर सकते हैं। तो आप इसे परचेस करना चाहते हैं, आपका मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करने का समय है, वीडियो को एंड करते हैं। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।